ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो उपाय आपको अधिक मास की शिवरात्रि पर करना है। और ये जो उपाय है दोस्तों, वो व्यक्ति कर सकता है जो अक्सर बीमार रहता है और बहुत दवाई कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है। अगर वो जो व्यक्ति बीमार है, अगर वो नहीं कर सकता है, अगर वो सक्षम नहीं है, तो घर का कोई भी सदस्य उसके लिए ये उपाय कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, और इसके बारे में आपको हम सारी जानकारी देते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो उपाय है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है, तो इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अधिक मास चल रहा है, और ये जो अधिक मास चल रहा है कोई साधारण अधिक मास नहीं है, ये सावन महीने के बीचों बीच पड़ने वाला सावन अधिक मास है, इसलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन अधिक मास की मासिक शिवरात्रि को किए जाने वाले एक ऐसा उपाय बताया है, जिस उपाय को करने से अगर कोई व्यक्ति के शरीर में कोई रोग और परेशानी है, या उस व्यक्ति को डायलिसिस चल रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसी समस्या है जो कि शरीर से जुड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसकी जो तकलीफ है कम नहीं हो रही है, तो आपको इस सावन अधिक मास का मासिक शिवरात्रि को ये उपाय करना है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने अभी सावन में चल रही कथाओं में बताया है। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को सुनकर हमने ये उपाय आपके लिए लाया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अधिक मास शिवरात्रि कब है और इसमें कैसे इस उपाय को करना है हमें, और इसमें उपयोग में आने वाली सामग्री क्या है। दोस्तों, अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त को पड़ रही है, और इसमें अधिक मास का ये उपाय आपको अधिक मास की मासिक शिवरात्रि के दिन करना है, और इसे पूरे दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस अधिक मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको दो सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला सामग्री आपको जो लगेगा वो है सफ़ेद दूर्वा, और इसमें आपको बस एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसके शरीर में बहुत रोग और बीमारी चल रहा है, और अगर वो सक्षम नहीं है करने के लिए, तो आपके घर उस व्यक्ति के घर में का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हरा दुर्वा तो देखा ही होगा, उस हरी दुर्वा के बीच में कहीं कहीं पर सफ़ेद दुर्वा भी होता है, तो आपको वह एक सफ़ेद दुर्वा आपको तोड़ लेना है, और इस उपाय में आपको दुर्वा वह उपयोग करना है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब इस उपाय को हम कैसे करें। दोस्तों, अधिक मास की शिवरात्रि के दिन आपको एक सफ़ेद दुर्वा और एक लोटा जल को तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँच जाना है, और मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर अपनी सफ़ेद दुर्वा और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब आप ये सफ़ेद दुर्वा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो उस समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण आपको अवश्य करना है। अब जैसे ही आपने सफ़ेद दुर्वा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया है, उसके बाद में आपको एक लोटा जल उसी दुर्वा के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। दोस्तों, जो जल आप भगवान शिव जी पर चढ़ाए हैं, इस जल को थोड़ा सा जलाधारी से झेल कर आपको ले आना है, और साथ ही में जो सफ़ेद दुर्वा आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाई है, उसको भी आपको वापस उठाकर अपने घर पर लेकर आना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप घर आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जो जल आपने जलाधारी से झेल कर लाए हैं, उस जल का आचमन आपको उस व्यक्ति को करा देना है जिस व्यक्ति के शरीर में तकलीफ है और जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। यह काम आप उस दिन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको वह सफ़ेद दुर्वा को पानी में गला देना है, और इस जल का आचमन आपको प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 महीना तक आपको उस व्यक्ति को कराना है। दोस्तों, आप प्रतिदिन उस सफ़ेद दुर्वा के जल को बदल सकते हैं, पर आपको उस सफ़ेद दुर्वा को जल पात्र के अंदर डालकर ही कुछ समय के बाद उस जल का आचमन उस व्यक्ति को कराना है।
क्योंकि दोस्तों ये उपाय आपको सिर्फ अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही करना है और उसके बाद कभी नहीं करना है आपको ये उपाय। इसलिए उस दुर्वा का जल आपको 1 से 1.5 महीने तक उपयोग करके उस व्यक्ति को आचमन कराना है। जब इस जल का आचमन उस व्यक्ति को आप कराएंगे तो उस समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी जपना जरूरी है। दोस्तों इस सफ़ेद दुर्वा के जल को लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपको उस व्यक्ति को पिलाना है जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है। इसके बीच में आपको इस उपाय का फल भी दोस्तों मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यही था उपाय जो आपको करना है। अगर आपको या आपके घर में किसी व्यक्ति को शरीर से जुड़ी कोई भी समस्या है, बहुत बीमारी चल रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। दोस्तों यहाँ पे ये उपाय संपन्न होता है। और हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए अगर आपको कोई भी समस्या या आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो उपाय है आपको हमने बहुत ही सरलता से बताया है और इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। महादेव जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।